ओके हाय गाइस, दिस इज दर्शन खरे। मैंने ऑलरेडी कुछ दिनों पहले ये बोला था ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स के अंदर कि केस स्टडी लेक्चर आएंगे अपने सीए फाउंडेशन के केस स्टडीज़ के लिए। सो यहाँ पे मैंने सीए फाउंडेशन के केस स्टडीज़ का लेक्चर शुरू करना है और आज हम केस स्टडीज़ देखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। पर ये पहला बेसिक लेक्चर है केस स्टडी का। फॉर दैट पर्पज मैं आज आपको एक दो केस स्टडीज सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने केस स्टडीज़ को लिखना चाहिए, क्या उसका फॉर्मेटिंग होना चाहिए और क्या रूल्स आपने फॉलो करने चाहिए। पहली चीज़ ये, एक बार होने के बाद हम फिर केस स्टडीज को रेफर करते जाएंगे। सभी केस स्टडीज को हम रेफर करेंगे इसकी जरूरत नहीं है, जितने इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है उनको मैं रेफर करूंगा। बाकी ये नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो या स्पेसिफाइड लिंक आपको दिया जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से। नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स नहीं है तो इंस्टीट्यूट की तरफ से स्पेसिफाइड लिंक दिया जाएगा वी स्मार्ट की तरफ से, तो उस लिंक के ऊपर भी आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ, है ना। सो स्टार्ट करते हैं आज के केस स्टडी लेक्चर के लिए। आज का केस स्टडी लेक्चर हमने बनाया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के ऊपर। और सबसे पहले एक आधा केस रीड कर लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं, फिर मेरे को आपको फॉर्मेट बताना आसान होगा, ठीक है। सो अब आपके नोट्स ओपन कर सकते हो, उसके अंदर आपको ये दिख जाएगा। रामस्वामी प्रपोज टू सेल हिज हाउस टू रामनाथन। रामनाथन सेंट हिज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट नेक्स्ट डे। रामनाथन सेंड्स अ टेलीग्राम विड्रॉइंग हिज एक्सेप्टेंस। Examine the validity of the acceptance according to Indian Contract Act 1872. रामास्वामी ने प्रपोज किया कि उसको हाउस सेल करना है रामनाथन को। रामनाथन ने उसको एक्सेप्ट किया, मतलब एक्सेप्टेंस पोस्ट से सेंड भी कर दिया उसने। लेकिन बाद में रामनाथन का मूड चेंज हो गया, बोले बाद मेरे को बिल्कुल बंद नहीं आई आथू, तो उसने रेवोकेशन डाल दिया टेलीग्राम से। Examine the validity of acceptance according to Indian Contract Act 1872 in the light of the following. पहला, the telegram of revocation of acceptance was received by Ramaswamy before the letter of acceptance. अगर telegram ये letter of acceptance के पहले मिल जाता है, revocation का telegram letter of acceptance के पहले मिल जाता है, तो ऐसे situation में क्या होगा? या फिर telegram of revocation and letter of acceptance both reach together, दोनों एक साथ reach होते हैं तो क्या होगा? कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना। तो इस हिसाब से मैं यहां पे केस स्टडी डिस्कस करना चाहूंगा। आ जाइए, मैं इसको लेता हूं एक बार, बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। पहले आज मैं आपको चाहता हूं कि एक बार मैं लिख के दिखाऊं कि किस तरीके से केस स्टडी सॉल्व करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को इसका ऑलरेडी आंसर पता होगा कि सर इसका आंसर तो ये होना चाहिए, श्योरली पता होगा, नॉट अ डाउट। पर प्रॉब्लम आती है बच्चों लिखने में। आंसर तो सबको पता होता है कि नहीं भाई इसमें रिवोकेशन वैलिड है, इसमें एक्सेप्टेंस वैलिड है, सबको पता होता है, लेकिन किस तरीके से लिखना इज अ टेक्निक, इसलिए बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। इसके बाद जब भी हम आंसर लिखेंगे, कुछ रूल्स में आंसर लिखने के लिए लिख के दूं, ये आपने नोट करके रखने फ्रंट पेज पे आपके बुक पे, जो भी रजिस्टर है आपका उसके फ्रंट पेज पे। रूल नंबर वन, हम आंसर फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मेट में आंसर लिखेंगे। सो मुझे कोई नहीं पूछेगा, डोंट इवन आस्क मी कि सर मैं फॉर्मेट में नहीं लिखूं तो क्या, फॉर्मेट में ना लिखो तो ये आपकी रिस्क है बेटा, इसको मैं सपोर्ट नहीं करना चाहूंगा। सो डोंट आस्क कि सर फॉर्मेट छोड़ के लिखा तो क्या। सो ये मेरा सीधा सीधा डिस्कशन के हिसाब से मैं आपको दे रहा हूं, फॉर्मेट के हिसाब से आंसर लिखना है, गेम ओवर। क्लियर है? किसी ने पूछा तो इस चीज के ऊपर कोई रिप्लाई नहीं आएगा। दूसरा, ठीक है, क्योंकि मैं रिप्लाई दूंगा फिर आपको डांटूंगा, उससे अच्छा रिप्लाई ना दू, समझ जाना, ठीक है। दूसरा, हम अपने लैंग्वेज में आंसर लिखेंगे, ओन लैंग्वेज में आंसर लिखेंगे, ठीक है। सर लॉ की लैंग्वेज में आंसर हम नहीं लिखेंगे, बेयर टेक्स्ट की लैंग्वेज में आंसर हम नहीं लिखेंगे, हम अपने लैंग्वेज में आंसर लिखेंगे, प्रोवाइडेड वो इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। मैं जब लैंग्वेज बोलू तो मैं वर्ड्स यूज करने की बात कर रहा हूं, जो इंग्लिश के वर्ड्स यूज करने हैं, लैंग्वेज लॉ की नहीं रही तो भी चल जाएगा, नॉर्मल लेमैन वर्ड आपने यूज किए तो भी चल जाएगा। पर एक कंडीशन याद रखना, कंटेंट 100% क्लियर होना चाहिए। आज तक के ऐसा कभी नहीं हुआ कि आईसीएआई ने कंटेंट क्लियर होने के बावजूद लैंग्वेज के ऊपर मार्क काटे। अगर आपका कंटेंट 100% क्लियर है तो आपको लैंग्वेज से डरने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज वाले चोचले उन लोगों के जिनको कंटेंट याद नहीं रहता। मैं भी सीए बना हूं, मैं भी सीएस बना हूं, मैं कोई लैंग्वेज याद करके नहीं बना था, तब मेरे को बेटेक्स याद भी नहीं था, अभी तो टीचर बना है इसलिए मेरे को याद है, लेकिन मैंने जब एग्जाम दिया तो फाइनल लेवल पे भी मेरे को लैंग्वेज नहीं आता था।
तो आपको लैंग्वेज आने की जरूरत नहीं है, कंटेंट 100% लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका लैंग्वेज क्या है। आई रिपीट, इसको मेरे को पूछना मत कि बेरेटेक्स या लॉकी लैंग्वेज चाहिए क्या, डोंट आस्क मी। आंसर अभी सुन लो कि बिल्कुल नहीं चाहिए, उन लैंग्वेज में लिखना है, 100% कंटेंट जरूरी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। अब मैं शुरू करता हूं, ये रूल्स आपने याद रखने, जरूरत पड़ी आगे हम इसके अंदर और भी चीजें ऐड करेंगे, ठीक है, इन रूल्स में। फिलहाल मैं केस स्टडी सॉल्व करना शुरू कर देता हूं, साइड में आंसर तो दिया है केस स्टडी का, लेकिन एक बार मैं सॉल्व करके दिखाऊं अपने लैंग्वेज में कैसा होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों कि केस स्टडी के अंदर प्रोविजन क्या है। प्रोविजन को हम करेंगे अंडरलाइन, प्रोविजन को हम करेंगे कोलन। ये हमारा आंसर है और ये हमारी मार्जिन है। मार्जिन के अंदर कुछ नहीं जाना चाहिए, सब मार्जिन के बाहर। जब एग्जाम में आंसर लिखते हो, मार्जिन के अंदर कोई नंबरिंग, कोई हेडिंग, कुछ नहीं जाना चाहिए, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर, मार्जिन में कुछ नहीं चाहिए। यहां सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर रहेगा एग्जाम का, उसके नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, नथिंग, क्लियर है? फिर सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा। सो प्रोविजन लिखना, ब्रैकेट में अगर आपको याद होगा तो सेक्शन लिखना, जैसे इसका सेक्शन नंबर 4 है, सेक्शन के साथ एक्ट लिखना, क्योंकि आपके सिलेबस में 5 एक्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, एलएलपी। अगर आपको सेक्शन याद नहीं है, सर मुझे सेक्शन याद नहीं है, अगर सेक्शन याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, सेक्शन मत लिखो, सिर्फ एक्ट का नाम लिखो, ओनली कोट एक्ट नेम। बिल्कुल मेरे को यह मत पूछना कि सर मेरे को सेक्शन याद नहीं है तो मैं क्या करूं, ओनली कोट एक्ट नेम, एक्ट का नाम भी लिखा तो भी फाउंडेशन लेवल पे काम हो जाएगा। सेक्शन नंबर इंटर और फाइनल पे याद करना बहुत जरूरी होता है, फाउंडेशन में आपने एक्ट का नाम लिख दिया, बहुत बड़ी चीज हो गई, यह चीज को आपने याद रखना। फिर पॉइंट नंबर 1 से हम प्रोविजन कोट करना शुरू करेंगे। अब फिलहाल वैसे तो आपने आंसर में जगह नहीं छोड़नी चाहिए, पर मैं फॉर्मेटिंग के हिसाब से, चलो फॉर्मेटिंग में नहीं, मैं भी जगह नहीं छोड़ूंगा, पॉइंट नंबर 1, जब मैं पॉइंट 1 लिखूंगा तो उसको मैं सर्कल करूंगा, उसको मैं ब्रैकेट करूंगा। सर क्यों सर्कल और ब्रैकेट? कभी अगर आपने पॉइंट 1 लिखा, उसको सिर्फ डॉट लिखा और आगे आपको कोई नंबर लिखना पड़ा, जैसे 867, तो हो गया 1.867, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे ही आप जैसे ही 1 को सर्कल करते हो तो 867 ये बाइफरकेट हो जाता है। समझ में आता है, ये आंसर का पार्ट है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। सो पॉइंट नंबर 1 लिखना है और उसके अंदर अब मैं लिखूंगा कि किस बारे में केस है, ठीक है? तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा सिर्फ जितना पूछा उतना, ओनली व्हाट इज आस्क्ड, रूल नंबर 4, राइट ओनली व्हाट इज आस्क्ड। ऊपर मैं बोला था रूल ऐड करूंगा, राइट ओनली व्हाट इज आस्क्ड, ठीक है? फालतू चीजें मेरे को इसके अंदर नहीं चाहिए, ना ही इंस्टीट्यूट को चाहिए। आपने वो लिखा जो जरूरी नहीं है, आप गए काम से। सर ये कैसे पता चलेगा क्या जरूरी है क्या नहीं है? इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूं। राइट ओनली व्हाट इज आस्क्ड, जो पूछा है सिर्फ उतना लिखिए, इससे आपका काम हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब फिर उन्होंने पूछा है एक्सेप्टेंस कब वैलिड है, तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा एक्सेप्टेंस is complete when it reach and read out by offerer or proposer। उन्होंने proposer word use किया है तो मैं proposer ही word use करूंगा। यह acceptance, अब मैंने मेरे language में लिखा, कोई लॉकी language नहीं लिखी मैंने, मैंने simply लिखा acceptance is complete when it read In when it reach and read out by proposer, proposer ने read out कर लिया, acceptance valid हो गया। concept समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। दूसरा, revocation कब valid होता है? revocation of acceptance is complete if it reach to proposer before acceptance। फिर उन्होंने ये पूछा है कि भाई दोनों एक साथ पहुंचे तो क्या, उसके लिए भी प्रोविजन लिख दूं, इफ एक्सेप्टेंस एंड इट्स रिवोकेशन
रीच व्हेन एक्सेप्टेंस एंड इट रिवोकेशन रीच एट सेम टाइम देन व्हाट एवर प्रपोजर read first is valid. जब दोनों एक साथ पहुंचेंगे उसमें से जो भी पहले read किया गया वो valid माना जाएगा. concept समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. formatting देख लिए. अब जो उन्होंने पूछा वो तीन मैंने प्रयोजन के अंदर लिखित देख रख दिया. concept समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. अब नीचे मुझे रामास्वामी वाला केस स्टडी डिस्कस करना है तो मैं नीचे हेडिंग डालूंगा एक्सप्लेनेशन, या फिर मैं इसको हेडिंग डालूंगा फैक्ट ऑफ द केस. बहुत सारे जगह पे मैंने फैक्ट ऑफ द केस ये वर्डिंग यूज किया है. आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो यहां पे, एक्सप्लेनेशन या फैक्ट ऑफ द केस, कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर इसके नीचे पॉइंट नंबर वन, अब आपको यहां केस डिस्कस करना है. ठीक है. सो रामास्वामी ने प्रपोज किया था, ठीक है, रामनाथन ने एक्सेप्ट किया था, फिर रामनाथन ने रिवोक किया. सो रामनाथन गेव एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट. सेकेंड, रामनाथन, जो भी स्पेलिंग होगा इसका, गेव रिवोकेशन बाय टेलीग्राम. रामनाथन गिव एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, रामनाथन गिव रिवोकेशन बाय टेलीग्राम. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और ये उसने प्रपोजल, अब ज्यादा भी फैक्ट एक्सप्लेन नहीं करने क्योंकि वो ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखे हुए हैं. आप ज्यादा फैक्ट एक्सप्लेन करने में जाओगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा और जबरदस्ती टाइम वेस्ट होगा, वो बात अलग. फिर उसके बाद सीधा आंसर. आंसर उन्होंने दो पार्ट में पूछा है, क्वेश्चन दो पार्ट में पूछा है, तो आंसर भी हम दो पार्ट में लिखेंगे. ठीक है. जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है द टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वॉज रिसीव्ड बाय रामास्वामी बिफोर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. तो आंसर में इफ टेलीग्राम रिसीव्ड बिफोर पोस्ट ऑफ एक्सेप्टेंस देन revocation is valid and contract is not accepted. समझ में आ रहा है? सिंपल सेंटेंस में मैंने आंसर लिख दिया यहां पे. पॉइंट नंबर दूसरा, उन्होंने पूछा है द टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीच टुगेदर, ये दोनों एक साथ पहुंच गया, तो ऐसे केस में जो पहले रीड आउट किया जाएगा. सो इफ टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन एंड एक्सेप्टेंस पोस्ट रीच टुगेदर देन इट डिपेंड on what Ramaswamy reads first full stop. simple मैंने यहां पर लिख दिया. ठीक है, कि भाई जो read करेगा वो सबसे पहले valid हो जाएगा, whatever he reads first. concept समझ में आ रहा है? so इसको भी explain भी करो. for example if he reads acceptance then it is valid, or if he reads revocation then revocation is valid, then acceptance is not valid. full stop. देखिए किस तरीके से आंसर हुआ है. इसमें बच्चे फॉर्मेटिंग में भी मिस्टेक करते हैं,
लिखने में भी मिस्टेक करते हैं, समझ में नहीं आता क्या लिखे, क्लियर है? तो ये चीज इसी तरीके से लिखी जानी चाहिए। साथ में आपने मेरा फॉर्मेटिंग देखना, हर चीज पॉइंट में लिखी है। सो नेक्स्ट रूल, ये चार रूल्स तो मैंने यहां लिख ही दिए, इनको मैं थोड़ा सा साइड में लेता हूं। राइटिंग के सभी रूल्स प्रॉपरली लिखना जरूरी है, ठीक है? ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। सो नेक्स्ट रूल मैं यहां पे दे दूं, ठीक है? रूल नंबर 5, राइटिंग फॉर्मेट, राइट इन पॉइंट वाइज फॉर्म, ठीक है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। पॉइंट वाइज फॉर्म में आपने इसको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से आप केस स्टडी लिख सकते हो, आप इसका फोटो खींच के रखो, आगे अगर जरूरत पड़ती कोई डिफिकल्ट केस है तो वो भी मैं लिखने की कोशिश करूंगा। पहले आप इसका फोटो खींच लो, गो फॉर इट फास्ट। खींच लिया इसका पिक, इसका भी पिक खींच लो। ठीक है, इस तरीके से केस स्टडी सॉल्व करनी है, इसके आगे याद रखना, क्लियर है? मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहूंगा कि कौन से चीज में क्या लिखना है। सभी केसेस डिस्कस करना नहीं होगा, नियरली मैंने बहुत सारे केसेस यहां पे देके रखे हैं। नेक्स्ट केस के ऊपर जाते हैं, एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट occurring before the time fixed for performance has arrived. Discuss stating also the effect of anticipatory breach of contract. Now what is the anticipatory breach? Contract performance आने के पहले ही आप बोल दे रहे हो कि मुझसे ना हो पाएगा, मुझसे ना हो पाएगा, मेरे को माफ करो। ये जब आप बोलते हो तो उसे anticipatory breach बोला जाता है, कि contract का performance दूर है पर आप पहले से ही मना कर रहे हो। काफी direct question है तो ये please आप एक बार इसका answer read करके देखना। Next चीज के ऊपर मैं जा रहा हूं, हाँ, ये अगेन केस स्टडी, तो केस स्टडीज में यहां डिस्कस कर रहा हूं मेनली। मिस्टर बलवंत एन ओल्ड मैन बाय अ रजिस्टर्ड डीड ऑफ गिफ्ट ग्रांटेड सर्टन लैंडेड प्रॉपर्टी टू मिस रीमा हिज डॉटर। बाय द टर्म्स ऑफ द डीड इट वॉज स्टिप्युलेटेड दैट एन्युटी ऑफ 20,000 शुड बी पेड एवरी ईयर टू मिस्टर सावंत हु वॉज ब्रदर ऑफ मिस्टर बलवंत। On the same day, Miss Reema made a promise to Mr. Saman and executed in his favor the agreement to give effect to the stipulation. Miss Reema failed to pay stipulated sum. In an action against her by Mr. Saman, she contended that since Mr. Saman had not furnished any consideration, he has no right of action. Examine the provision of the Indian Contract Act 1872 and decide whether the contention of Miss Reema is valid. अब अगर आपने देखा होगा तो यह स्ट्रेट अवे केस लॉ के ऊपर डिपेंड वाला सिचुएशन है और केस लॉ का नाम है चिनैया वर्सेस रमैया। अगर आपको याद होगा तो चिनैया वर्सेस रमैया हमारा केस था, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, आंसर में यहां नहीं लिखा है लेकिन आपको लिखना है चिनैया फैक्ट ऑफ द केस, या तो फिर आप ऊपर प्रोविजन में एड कर सकते हो चिनैया वर्सेस रमैया। इसके ऊपर डिपेंड था कि भाई कंसिडरेशन शुड नॉट मूव फ्रॉम प्रोमिसोर, जरूरी नहीं है कंसिडरेशन प्रोमिसोर से आना चाहिए, कंसिडरेशन कैन ऑल्सो मूव फ्रॉम थर्ड पर्सन। सो देखिए द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, पहले तो मैंने डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन दिया है, कंसिडरेशन कैन बी ऑफर्ड बाय द प्रोमिसी और द थर्ड पर्सन, ये भी मैंने यह बोला है। फिर इफ यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये भी वर्ड यूज किया गया है। नीचे आप पॉइंट नंबर 4 में चिनैया वर्सेस रमैया केस कोट करोगे, क्लियर है? क्लास में हमने ये केस किया है ऑलरेडी। फिर नीचे हमने फैक्ट ऑफ द केस डिस्कस किए कि भाई कंसिडरेशन देना है नहीं देना है, ऊपर की केस स्टडी को ही हमने नीचे डिस्कस किया है, क्लियर है? सो इन द गिवन प्रॉब्लम मिस्टर बलवंत हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस रीमा बट मिस्टर सावंत हैज नॉट गिवन अ कंसिडरेशन टू मिस रीमा, बट कंसिडरेशन डिड नॉट फ्लो फ्रॉम बलवंत टू मिस रीमा एंड सच अ कंसिडरेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी सफिशियंट टू एनफोर्स द प्रॉमिस। थर्ड पार्टी से कंसिडरेशन आया है, क्या सफिशियंट है? हाँ बिल्कुल सफिशियंट है। फर्दर
डीड ऑफ गिफ्ट एंड प्रॉमिस मेड बाय मिस रीमा टू मिस्टर सावन टू पे द एन्युटी वेर एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली देयरफॉर दे शुड बी रिगार्डेड एज वन ट्रांजेक्शन एंड देर वॉज सफिशियंट कंसिडरेशन फॉर इट. क्लियर है? थस अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट बट अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन मे इन्फोर्स टू इट. क्लियर है? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन इन्फोर्स टू इट क्योंकि कंसिडरेशन थर्ड पार्टी से भी मूव हो सकता है. क्लियर है? चिनैया वर्सेस रमैया केस पढ़िए, ये आपके लिए काफी आसान होगा. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सिंपली क्या पॉइंट लिखे वापस बोलता हूं एक बार. डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन लिखा है पॉइंट नंबर वन में. पॉइंट नंबर टू में थर्ड पार्टी से कंसिडरेशन आ सकता है, यह लिखा है. पॉइंट नंबर थ्री में प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन से कंसिडरेशन आ सकता है, यह हमने लिखा है जो कंसिडरेशन के डेफिनेशन का पार्ट है. फिर हमने केस स्टडी डिस्कस किया कि क्या उन्होंने दिया है, किसके साथ एग्रीमेंट था, किसने कंसिडरेशन दिया, और फिर हमने आंसर में कंक्लूड कर दिया. क्लियर है कंसेप्ट? अगला, अ कूली इन यूनिफॉर्म पिकअप अ लगेज ऑफ आर टू बी कैरिड आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय आर एंड आर अलाउज हिम टू डू सो. Examine whether coolie is entitled to receive the money. समझो आप रेलवे स्टेशन पे चल रहे थे, कोई आया आपका लगेज उसने उठा लिया और वो चलने लग गया, आपने उसको कुछ बोला भी नहीं, आपने बोले उठाया चलने दे, तो कैसे सिचुएशन में कूली ने उससे फिर पैसे मांगे, आपसे पैसे मांगे, क्या पैसा देना पड़ेगा? बोलो पैसा देना पड़ेगा. अब मुझे एक बात बताओ, होटल में जाते हो खाना खाते हो, होटल में जाके खाना खाओगे, कभी होटल के सामने लिखा रहता है ऐसा, कभी देखा आपने कि इस होटल में खाना खाओ तो बिल पे करना पड़ेगा? आप जाते हो खाना खाते हो, इंप्लाइड है. आप जब बस आती है सामने रुकती है, बस में चढ़ते हो तो बस का टिकट निकालना कंपलसरी है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. तो पहले डिस्कस करते हैं केस कि क्या पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. हाँ बेटा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कुली को पैसा देना पड़ेगा. कौन से बेसिस पे? क्योंकि ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है तो हमें वैसा लिखना पड़ेगा. सो प्रोविजन में देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इनटू एग्जिस्टेंस बाय इंप्लीकेशन. Most often implication is of law or by section. Section 9 of contract contemplates such a implied contract which is laid down so far that proposal and acceptance is made otherwise than in words. Words छोड़ के दूसरे form में क्या है? Hotel वाले words में offer नहीं करते, ना ही अगर local transport की बस सामने आके खड़ी रहती है तो offer करती है. ऐसा नहीं conductor बाहर आके बोलता है भैया आ जाइए बैठ जाइए बस आपके लिए wait कर रही है, ऐसा नहीं होता, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है. वैसे ही कूली ने अगर लगेज उठा लिया और अब उसको चलने दे रहे हो लगेज लेके, आपने उसको नहीं रोका, तो मतलब है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया. कह रहे सो बाद में फिर कूली वाला केस डिस्कस किया है फैक्ट्स ऑफ द केस में, फिर बोला है इट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, आर मस्ट पे फॉर द सर्विस ऑफ द कूली. नेक्स्ट वाला केस स्टडी, पॉइंट आउट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग एग्रीमेंट आर वैलिड और वॉइड. कमला प्रॉमिसेस रमेश टू लेंड 5 लाख इन लियो ऑफ कंसिडरेशन दैट रमेश गेट्स कमलाज मैरिज डिवॉल्व एंड हिमसेल्फ मैरिज हर. कमला प्रॉमिसेस रमेश टू स्पेंड 5 लाख इन लियो ऑफ कंसिडरेशन दैट रमेश गेट्स कमलाज मैरिज डिवॉल्व. रमेश कमला का मैरिज खत्म कर देगा, डिवोर्स कर देगा और फिर उससे शादी करेगा. इस चीज के लिए कमला ने रमेश को 5 लाख दिए. सबसे पहले एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हमने पढ़ा था, जिसमें यह है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. अगर आपको याद होगा तो एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी में जाओ, वहां आएगा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड है क्या? नहीं. दूसरी बात, सोहन एग्रीज विद द मोहन टू सेल हिज ब्लैक हॉर्स. सोहन मोहन से एग्री करता है टू सेल हिज ब्लैक हॉर्स. अननोन टू बोथ द पार्टीज द हॉर्स वॉज डेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट. ये हो गया इंपॉसिबल एग्रीमेंट. ये तो इंपॉसिबल एग्रीमेंट हो गया ना, ये तो नहीं हो सकता, इंपॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ये स्टेट है. एग्रीमेंट इन द रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज ऑल्सो वॉइड, दोनों कॉन्ट्रैक्ट पहले नहीं हो सकते. तीसरा, राम सेल्स गुडविल ऑफ हिज शॉप टू श्याम ऑफ रुपीज 4 लाख एंड प्रॉमिसेस नॉट टू कैरी सच अ बिजनेस फॉरएवर एंड एनीवेयर इन इंडिया. नॉट टू कैरी बिजनेस फॉरएवर एंड एनीवेयर इन इंडिया, ये वॉइड है क्योंकि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड स्पेसिफिक लोकल लिमिट में और स्पेसिफिक समय तक के ही हो सकता है कि मैं इस समय में इतने समय में इतने जगह पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा या सेम बिजनेस नहीं करूंगा, तो ही जाके वैलिड होता है, अदरवाइज ये वॉइड होता है. क्लियर? So agreement in the extent of trade in specific local limits for a specific period is valid, otherwise it is void. Clear again sab sabko? Haan hai na. To agreement in the extent of trade hai ye.
क्लियर है अगला. एन एग्रीमेंट बिटवीन प्रकाश एंड गिरीश वेयर ए कंडीशन दैट दे विल नॉट इंस्टीट्यूट अ लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट ईच अदर विदाउट अ कंसेंट डज नॉट इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग डज नॉट इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग एग्रीमेंट अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग. लीगल प्रोसेस के अगेंस्ट अगर कोई एग्रीमेंट है तो ऑब्वियसली इनवैलिड है. राममूर्ति हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंटर्स इनटू एग्रीमेंट विथ एन अलायन फ्रेंड. अलायन फ्रेंड मतलब अलायन एनिमी होता है बेटा, अलायन फ्रेंड नहीं होता. जहां वर्ड अलायन आ गया वहां अलायन एनिमी बोलना, ठीक है. फ्रेंड वेंड ये सब मूव आया है, अलायन वर्ड आया मतलब अलायन एनिमी, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड है. अब देखो ये सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट आपके एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी से है. एक और रूल मैं यहां बताना चाहूंगा, आ जाइए. जब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अभी हमने देखा एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन. सो व्हेन देयर इज मेनी क्वेश्चन इन वन क्वेश्चन तो यू शुड नॉट राइट इन फॉर्मैट. तो आपने फॉर्मेट में राइट नहीं करना चाहिए, नॉट राइट इन फॉर्मेट. फॉर्मेट में राइट नहीं करना है, इसका आंसर आपने पॉइंट वाइज फॉर्म में देना है. जो केस स्टडी के पॉइंट वाइज है सो उसको पॉइंट वाइज फॉर्म में आपने आंसर देना है. जैसे पॉइंट नंबर 1 उन्होंने पूछा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज हो सकता है क्या, तो यही बोलना इन दिस केस दे आर मेकिंग प्रॉमिस टू कहां गया सॉरी In this case, they are making promise to dissolve the marriage. So, agreement on the restraint of marriage is void. That's why such a contract cannot be executed. Clear? ये पहले point का answer हो गया. So, आपने point wise ही लिखना है answer. A, B, C, D करके. ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है answer में. A, B, C, D, E. ठीक है. ऊपर provision लिखे होंगे, लेकिन इन provision को neglect करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है. सीधा आपने नीचे लिखना है. ठीक है. Object against the public policy. ये public policy के against है. यहाँ लिख सकते हैं agreement on the restraint of marriage. ये सब जो मैंने ऊपर मेंशन किए ये सब नीचे लिखना जरूरी है हर पॉइंट के अंदर. सो एग्रीमेंट ऑन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, दूसरा आपने लिखना है दैट इज इंपॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा आपने लिखना है दैट इज एग्रीमेंट ऑन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वैलिड फॉर स्पेसिफिक लोकल लिमिट्स फॉर स्पेसिफिक टाइम एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट. ये सब आपने पॉइंट वाइज फॉर्म में बड़ा आंसर करना है. क्लियर है? चाहिए तो इसका फोटो खींच लीजिए. गो फॉर इट फास्ट. चलो डन. चलो ये चीज होने के बाद में अगले वाले केस सिक्योरिटी के ऊपर जाते हैं हम. आ जाइए. अजय विजय संजय आर पार्टनर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर बिजनेस एंड जॉइंटली प्रॉमिसेस टू पे 6 लाख टू कार्तिक. ओवर अ पीरियड विजय बिकम्स इंसॉल्वेंट बट इज इस्टेट आर सफिशियंट टू पे 1/4 ऑफ हिज डेट्स. संजय इज कंपेल्ड टू पे द होल. डिसाइड वेदर संजय इज रिक्वायर्ड टू पे द होल अमाउंट हिमसेल्फ टू कार्तिक इन डिस्चार्ज ऑफ जॉइंट प्रॉमिसेस अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सबसे पहले सवाल है जॉइंट प्रॉमिस का, तो मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ में फॉर्मेटिंग देता हूं शॉर्ट में. सो प्रोविजन अंडरलाइन कोलन ब्रैकेट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अगर आपको सेक्शन याद नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं. सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ईयर है 1872. पॉइंट वाइज फॉर्म में प्रोविजन लिखना शुरू हो जाना बच्चों. ठीक है. पॉइंट नंबर 1 जॉइंट प्रॉमिसेस के केस में ऑल जॉइंट प्रॉमिसर्स आर लायबल. All are liable. ये शॉर्ट में मैं यहां पे दे रहा हूं बच्चों. आप इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करना थोड़ा सा. एक केस मैंने ऑलरेडी लिख के दिया है उसके हिसाब से. सो ऑल आर लाइबल. ठीक है. उसके बाद में दूसरा, हाँ हो सकता है मैं सिर्फ अकेला रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है, तो पॉज कर करके देखिए. जब बच्चे सामने होते तो अंदाजा आता है कि किस तरीके से इसको समझना है, लेकिन जब बच्चे सामने नहीं होते हैं तो ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि कौन से स्पीड में. बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूं स्लो जाने का, तो जरा ध्यान देना. ऑल आर लाइबल If one become insolvent, अगर एक insolvent हो जाता है तो others are liable for his debt. दूसरे liable हो जाएंगे उसके debt के लिए. तीसरा, if one pays entire amount, कोई एक ही सभी joint promissor के behalf पे सब pay कर देता है, then other joint promissor liable to him. And he can recover the same. ठीक है. joint promissor इसके लिए पता होना जरूरी है. केस स्टडी का लेक्चर देखने के पहले आपकी पूरी पढ़ाई हो जाना जरूरी है. अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं और आप सीधा केस स्टडी पे आए हो तो ये गलत है बच्चों. क्लियर है आंसर? फिर उसके बाद में चौथी वाली चीज जो आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी है,
अगर कोई डिसीज हो जाता है, कोई मर जाता है जॉइंट प्रोमिसोर, तो हिज नॉमिनी इज लायबल। क्लियर है आंसर? अब ये इसके बाद में फिर आप फैक्ट ऑफ द केस डिस्कस करो, एक्सप्लेनेशन डिस्कस करो कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, फिर उसके बाद में आंसर कि कौन किसके लिए लायबल रहेगा। अब यहां पे उन्होंने क्या बोला है, मैं कैलकुलेशन बोल दूं, 6 लाख के लिए अजय विजय संजय लायबल है कार्तिक को, किसको को लायबल है कार्तिक, जिसमें से विजय बिकम इंसॉल्वेंट और वो सिर्फ 1/4 ऑफ हिज डेट दे सकता है। संजय इज कंपेल्ड टू पे होल, संजय इज कंपेल्ड टू पे होल, वेदर संजय इज रिक्वायर्ड टू पे होल टू अबाउंड टू द कार्तिक इन डिस्चार्ज ऑफ द प्रॉमिस, यस सिंगल जॉइंट प्रॉमिसर कैन ऑल्सो बी लायबल। तो इसके लिए आंसर में अब ऐसा का ऐसा आंसर नहीं लिख रहा है, मैं सिर्फ ये हो गया खत्म, ये यहां पे फिनिश हो गया, ठीक है। अब मैं यहां पे डिस्कशन कर रहा हूं अजय विजय संजय, क्लियर है। अजय को भी 2 लाख देने हैं, विजय को भी 2 लाख देने हैं, संजय को भी 2 लाख देने हैं, ठीक है। किसको देने हैं? कार्तिक को, ठीक है। अब इसमें विजय हो गया इंसॉल्वेंट, तो विजय के 2 लाख में से 1/4 रिकवर हो सकता है, मतलब सिर्फ 50,000 रिकवर होगा, तो बचा हुआ जो 1.5 लाख है वो अजय और संजय देंगे। बचा हुआ जो 1.5 लाख है वो कौन देंगे? अजय और संजय। मतलब इससे सिर्फ 50,000 आया, दैट्स वाई इनको प्लस 75,000 देने पड़ेंगे, प्लस 75,000। मतलब अब रिवाइज्ड अमाउंट जितना देना है वो क्या है? 2,75,000, 50,000, 2,75,000, जिसमें से पूरा अमाउंट संजय ने दिया। किसने दिया पूरा अमाउंट? संजय ने। तो क्या संजय पूरा अमाउंट दे सकता है? क्या संजय को फोर्स किया जा सकता है? हां। तो संजय ने कार्तिक को पूरे 6 लाख दे दिए, सो 6 लाख्स संजय पेड टू कार्तिक। अगर उसने संजय ने कार्तिक को 6 लाख दे दिए है तो उसमें से 50,000 वो रिकवर करेगा अजय से, 2,75,000 ही कैन रिकवर फ्रॉम, सॉरी विजय से, एंड 2,75,000 ही कैन रिकवर फ्रॉम अजय। सो टोटल डेट हो जाएगा 6 लाख का जो उसने ऑलरेडी कार्तिक को पे किया है। आंसर एक बार पढ़ लेना, सेम आंसर ही आपको मिलेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। तो आंसर पढ़ लो 2 मिनट के लिए, गो फॉर इट फास्ट। नेक्स्ट केस स्टडी पढ़ना हो गया होगा, तो अगर किसी का नहीं हुआ है तो पॉज कर लीजिए लेक्चर और फिर पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगली केस पे, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन द फर्म, दे जॉइंटली प्रॉमिस टू पे 3 लाख टू डी, वाई बिकम इंसॉल्वेंट एंड इज प्राइवेट एसेट 1/5 पे कर सकता है। सेम सवाल ऊपर वाले जैसा ही सेम सवाल है, एक बार खुद सॉल्व कर देखना, आंसर पढ़ लेना, ठीक है। आई एम गोइंग नेक्स्ट। एम लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट विद शांति ट्रेडर्स टू मेक deliver certain machinery to them on 30th June 2017 for 11.50 lakh. Due to labor strike, M could not manufacture and deliver the machinery to Shanti Traders Limited. Later, Shanti Traders produced the machinery from another manufacturer for rupees 12.75 lakhs. Due to Shanti Trader was also prevented from performing a contract which has made with Zenith Traders at the time of the contract with Miss M Limited. And were compelled to pay compensation for breach of contract. Advise Shanti Traders the amount of compensation which can be claimed from N Limited. Damages claim वाला area है, इसके लिए भी rules है, हमारा format same है, provision, underline, bracket colon, bracket के अंदर contract act, year 1872, मैं short में लिख रहा हूँ, आपने detail में लिखना है बच्चों इसको, point number one, ठीक है। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है एरिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में टू द पर्सन इज एग्रीव्ड पर्सन इज एलिजिबल फॉर डैमेजेस, एलिजिबल फॉर डैमेज, उसको डैमेजेस मिलेंगे। कितने टाइप के डैमेजेस मिलेंगे? तो पॉइंट नंबर टू, डैमेजेस
इज इक्वल टू मार्केट प्राइस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस प्लस अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन प्लस अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन। अब यहां पे मार्केट प्राइस जो मशीनरी, देखो मशीनरी आने वाली थी 11.5 लाख में, लेकिन वो ब्रीच हो गया इसलिए 12.5 लाख में परचेस करनी पड़ी। तो मार्केट प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था? 12.5 पढ़नी, 12.75 माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 11, क्योंकि मशीनरी अगर हमें मिल जाती तो हमें एक्सेस पे करना नहीं पड़ता, तो एक्सेस पेमेंट हम उन्हीं से लेंगे। सो मशीनरी हमको मिली 11.50 में प्लस कोई स्पेशल डैमेजेस। उन्होंने बोला है अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन हुई, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो फॉरगॉन हुई जेनिथ ट्रेडर्स लिमिटेड के साथ में जो अपॉर्चुनिटी चली गई उसका कोई अमाउंट नहीं दिया है। सो हम उसका कोई अमाउंट नहीं दिया है इसलिए बोलेंगे कंपेंसेशन फॉर ब्रीच ऑफ अनदर कॉन्ट्रैक्ट, इतने डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो। क्लियर है? इतना डैमेजेस, अब ये बोला नहीं है, नॉट मॉनेटरी गिवन, रुपीज में नहीं दिया है, तो जो भी अज्यूम्ड होगा, जो भी एग्रीड होगा वो आप लिख सकते हो, एग्रीड कंपेंसेशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर थ्री नहीं आएगा, माय मिस्टेक। फिर इसके बाद में आपने डिस्कस करने हैं फैक्ट ऑफ द केस, जिसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में आंसर कि कितना डैमेजेस पे किया जाएगा। आंसर एक बार रीड कर लो, गो फॉर इट फास्ट। देखो सेम चीज बोली है, मैं कुछ चीजें मार्क कर रहा हूं, देखना 1.25 लाख्स, 1.25 lakhs इज ऑब्लाइज टू रिइंबर्स द कंपेंसेशन। नेक्स्ट करो रीड आराम से, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए तो पॉज करके रीड करो अगर आपको स्पीड लग रहा होगा तो, क्योंकि स्टूडियो में अंदाजा नहीं आता है। चलो हो गया सबका, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में अगले केस के ऊपर जाते हैं। एक्स एग्रीड टू बिकम असिस्टेंट फॉर टू इयर्स, एक्स एग्रीड टू बिकम असिस्टेंट फॉर टू इयर्स टू वाई हु वाज प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एट जोधपुर। सीए है, तुम्हारा फ्यूचर दिख रहा है यहां पे। इट वॉज एग्रीड दैट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एग्रीमेंट एक्स विल नॉट प्रैक्टिस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन हिज ओन अकाउंट विद इन 20 किलोमीटर ऑफ द ऑफिस ऑफ वाई एट जोधपुर। एट द एंड ऑफ वन ईयर एक्स लेफ्ट द अप्रेंटिसशिप ऑफ वाई एंड स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑन हिज ओन विद इन अ स्टेटेड एरिया ऑफ 20 किलोमीटर रेफरिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिसाइड वेदर एक्स कुड बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम डूइंग सो। पहली बात तो नॉर्मली एम्प्लॉयज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं लोकल लिमिट्स के अंदर, और ये पॉइंट बोल रहा हूं मैं,
एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इसको बोला जाएगा पॉइंट नंबर वन में। दूसरा लोकल लिमिट्स में स्पेसिफाइड टाइम के लिए अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो तो लग सकते हैं, लेकिन लोकल लिमिट्स में स्पेसिफाइड समय के लिए, स्पेसिफाइड जगह में स्पेसिफाइड समय के लिए, पर उसके बाद में आप उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, सेम बिजनेस किया जा सकता है अनलेस इट इज सेल ऑफ गुडविल। तो यहां पर देखो क्या लिखा गया है, मैं एक बार डिस्कस करना चाहूंगा। देखो मैंने पहले बोला इट इज एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ठीक है। इन द केस ऑफ सर्विस एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वैलिड, ये वैलिड हो सकता है। बाइंड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एग्रीमेंट नॉट टू टेक अ सर्विस एनीवेयर एल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू प्रमोट अ बिजनेस इन अ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विथ दैट ऑफ हिज एम्प्लॉय इज नॉट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, सो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट इज क्या बोले एक बार, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मैंने जैसे बोला लिख के रखना स्पेसिफाइड लोकल लिमिट में स्पेसिफाइड टाइम तक के, क्लियर है नीचे। And do not amount to restraint of trade and hence enforceable. ये amount, ये contract enforceable हो सकता है, clear है? Answer read कर लीजिए एक बार। Done? हो गया सबका? Pause करके read कर लीजिए, समय लग रहा हो तो। नेक्स्ट केस के ऊपर मैं जा रहा हूं, आप पॉज करके रीड कर लीजिए अगर आपको समय है तो। नेक्स्ट केस के ऊपर जा रहा हूं। पीएम लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड विद गुप्ता ट्रेडर्स टू मेक एंड डिलीवर सर्टन मशीनरी बाय हिम ऑन 30th जून 2017 फॉर 21.50 लाख। ड्यू टू लेबर स्ट्राइक पीएम लिमिटेड कुड नॉट मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर द मशीनरी। सेम सवाल जो हमने इसके पहले के पहले सवाल देखा था ना, ये वाला उसके जैसा ही है। सो ये खुद कर लेना एक बार, ठीक है। सो डू इट ऑन योर ओन होमवर्क, ठीक है। ऑलरेडी इस टाइप का एक सवाल हो चुका है हमारा। आगे, अ स्टूडेंट वॉज इंड्यूस्ड बाय हिज टीचर टू सेल हिज ब्रांड न्यू कार टू द लैटर, लैटर मतलब टीचर को बेचा, एट लेस देन द परचेज प्राइस टू सिक्योर मोर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, टू सिक्योर मोर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, इसलिए उसने कार बेच दिया। पहले तो कौन से स्टूडेंट के पास कार होता है? एनीवेज आगे, अकॉर्डिंगली हम तो बेचारे गरीब थे, साइकिल के ऊपर जाते थे, कई बार तो पैदल चल जाते थे या एक साइकिल पे चार लोग चल जाते थे, क्या करे। अकॉर्डिंगली द कार वॉज सोल्ड, हाउएवर द फादर ऑफ द स्टूडेंट परसुएडेड हिम टू सू हिज टीचर। स्टेट ऑन व्हाट ग्राउंड स्टूडेंट कैन सू द टीचर, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। पांच चीजें हो सकता है, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर याद होगा तो टीचर स्टूडेंट रिलेशन है, ऊपर से अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा और स्टूडेंट खुद की कार वापस ले सकता है। एक बार आंसर रीड कीजिए, फॉर्मेट याद रखना, हर चीज फॉर्मेट में ही देखना। अभी पॉज करके पढ़ लेना जिसको चाहिए, मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे ही आपका हो जाए आप पॉज रिज्यूम करके पढ़ सकते हो। द माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम मेकिंग अनदर पार्टी बाउंड टू द माइनर, ठीक है। अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। यह चीज आपने देखी होगी, डायरेक्ट सवाल है, एक बार आंसर रीड कर लो। अगला, ए रिसीव्ड सर्टन गुड्स, ये तो पॉज करके रीड कर लो, लेकिन रीड करना, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सब रीड किया है और मैं स्टूडियो में बैठ के लेक्चर बना रहा हूं, इसलिए मैं सभी केसेस फटाफट ले रहा हूं। आपको चाहिए बीच बीच में पॉज किया करो, चलते रहो। ए रिसीव्ड सर्टन गुड्स फ्रॉम बी प्रॉमिसिंग टू पे 1 लाख, लेट ऑन ए एक्सप्रेस इज लाइबिलिटी टू मेक अ पेमेंट, ए एक्सप्रेस इज इनएबिलिटी टू मेक अ पेमेंट, सी हु नोज ए पे 60,000 टू बी ऑन बिहाफ ऑफ ए, हाउएवर ए वॉज नॉट अवेयर ऑफ द पेमेंट। Now B is intending to sue A for 1 lakh. Discuss whether the contention of B is right. तो ऐसे सिचुएशन में contention सही होगा क्या? क्या थर्ड पार्टी से consideration जा सकता है? चेन्नैया वर्सेस रामैया वाला केस हमने ऑलरेडी देखा है। यहां पे C ने A के बिहाफ पे 60,000 दे दिए है, थर्ड पार्टी से consideration आया है। अब B के पास कोई पावर नहीं है कि वो A को पूरे 1 लाख के लिए sue करे। अब बी अगर एक को एस्यू कर सकता है तो सिर्फ 40,000 के लिए। सीधा पॉइंट है, जरा देखना क्या क्या पॉइंट लिखोगे। पॉइंट नंबर वन में आप लिखोगे दैट इज कंसीडरेशन,
कैन मूव फ्रॉम थर्ड पर्सन, स्टिल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, ये सिर्फ दो पॉइंट मेंशन करने हैं, स्टिल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। उसके बाद में फैक्ट ऑफ द केस, उसके अंदर लिखोगे पॉइंट नंबर वन में फैक्ट ऑफ द केस में कि क्या हुआ था, कि भाई ए को बी को देना था 1,00,000, फिर सी ने बी को दे दिया 60,000, तो बी ए को सी यू करना चाहता है 1,00,000 के लिए, तो कितने के लिए कर सकता है, 40 के। तो आंसर में आप लिखोगे दैट बी कैन सी यू ए फॉर कितना के, बोले एक बार 40 के। चाहिए तो रीड कर लो, गो फॉर इट फास्ट, लेकिन फॉर्मेट में आंसर लिखना, गो फॉर इट फास्ट। चलो डन, पॉज करके रीड कर लीजिए, चाहिए तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, डिसाइड विथ रीजन वेदर फॉलोइंग एग्रीमेंट आर वैलिड वॉइड अंडर द प्रोविजन ऑफ, हां अगर आपको लग रहा है आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो पहले आपका पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का, मेरे सभी लेक्चर्स देखे होने चाहिए तो ही ये समझ में आएगा, अदरवाइज आप बोलोगे कि सर कुछ भी बता रहे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपका क्लियर होगा तो सब चीजें समझ में आनी चाहिए, मैं उन्हीं प्रोविजन से उठा के ये चीजें बोल रहा हूं। ठीक है, डिसाइड विथ रीजन वेदर फॉलोइंग एग्रीमेंट आर वैलिड वॉइड और अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। विजय एग्रीज टू साइनी टू सेल द ब्लैक हॉर्स फॉर 3,00,000, अननोन टू बोथ द पार्टीज हॉर्स वॉज डेड। सेम सवाल ऊपर हमने किया था अभी, हॉर्स वॉज डेड वाला खुद करना होगा। सर्वे सेल गुड्स ऑफ हिज शॉप टू विकास फॉर 10,00,000 एंड प्रॉमिसेस नॉट टू कैरी ऑन सच अ बिजनेस फॉर एवर एंड एनीवेयर इन इंडिया, ये भी ऊपर हो चुका है होमवर्क। तीसरा, मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट अ बुक विथ अ पब्लिशर, आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज इन एक्सीडेंट, सो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड, ब्रीच हो जाएगा बिकॉज ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पर्सनल स्किल वाला कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको, हाँ है ना, एक बार रीड कर लीजिए, पॉज करके रीड कर लीजिए चाहिए तो, या फिर मेरे साथ चलिए। ईशान एज 16 ईयर्स वॉज स्टडिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, ऑन 1st March 2016 ही टुक अ लोन ऑफ 2,00,000 फ्रॉम विशाल फॉर द पेमेंट ऑफ कॉलेज फी एंड एग्रीड टू पे बाय 30th May 2017। ईशान पजेसेस असेट वर्थ 15,00,000, ऑन अ ड्यू डेट ईशान फेल्स टू पे बैक द लोन टू विशाल, विशाल नाउ वॉन्ट्स टू रिकवर लोन फ्रॉम ईशान आउट ऑफ द असेट्स, डिसाइड वेदर विशाल कुड डू सो। पहली बात, 16 ईयर्स का है ईशान, ईशान 16 साल का है, माइनर के साथ एग्रीमेंट है, विशाल को पता था फिर भी विशाल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, गलती विशाल की है। भले ही ईशान के पास 15,00,000 की असेट हो, विशाल उसमें से रिकवर कर सकता है, लेकिन ओनली व्हेन जब उसके नेसेसिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहां एजुकेशन के लिए फीस पे किया है कॉलेज के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट नेसेसिटी वाला है, तो नेसेसिटी के कॉन्ट्रैक्ट में आप ईशान को वर्क नहीं करने लगाओगे, पर उसके असेट में से आप रिकवरी कर सकते हो। तो यहां पर विशाल के पास पूरा राइट है कि वो रिकवरी कर सकता है। सो पहली बात तो फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड, पॉइंट नंबर वन लिखोगे कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर बेनिफिट ऑफ माइनर इज वैलिड, माइनर के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। ठीक है, थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसिटी ऑफ माइनर, नेसेसिटी ऑफ माइनर का कॉन्ट्रैक्ट, ये भी वैलिड रहेगा। एंड यू कैन रिकवर फ्रॉम द असेट्स ऑफ माइनर, नेसेसिटी के लिए रिकवर फ्रॉम क्या लिख बाद उसे असेट्स, असेट से रिकवरी हो सकता है, लेकिन यू कैनॉट मेक माइनर वर्क, माइनर विल नॉट वर्क, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इसने कॉलेज फीस दी तो उसे काम करवा रहा है, क्लियर है, ऐसे नहीं हो सकता, माइनर विल नॉट वर्क। समझ में आ रहा है, ये चीज को याद रखना, आंसर पढ़ लीजिए पॉज करके, गो फॉर इट फास्ट। नेक्स्ट केस, एक्स एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वाई टू सप्लाई 1,000 वाटर बॉटल एट 5 रुपीज टू बी डिलीवर्ड एट अ स्पेसिफाइड टाइम, देयर आफ्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट विद जेड फॉर द परचेस ऑफ 1,000 वाटर बॉटल एट 4.5 रुपीज एंड एट द सेम टाइम टोल्ड जेड दैट ही डिड सो फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिटवीन विद इन वाई।
Zed failed to perform a contact in due course and market price of each water bottle on that day was 5.25. Consequently, X could not procure any water bottle and Y rescinded the contract. Calculate the amount of damages which X could claim from Z in the circumstances. देखो contract Y ने तोड़ दिया, contract तोड़ दिया, कोई भी contract execute नहीं हुआ, ना Z ने X को supply किया. देखो case क्या था, Z X को देगा कितने में, 4.5 रुपए में. तो X उसको Y को कितने में बेचेगा, 5 रुपए में. समझ में आ रहा है, मतलब X को प्रॉफिट कितना है, 0.50 मल्टीप्लाइड बाय 1000 बॉटल्स, इतना उसको प्रॉफिट है, मतलब 500 रुपए प्रॉफिट हो रहा है X को. ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना. लेकिन ये वाटर बॉटल सप्लाई नहीं कर पाए इसलिए ये भी कॉन्ट्रैक्ट टूट गया. हाँ, उस दिन मार्केट में माना कि प्राइस 5.25 थी, लेकिन एक्स ने वाटर बॉटल परचेस कहां किया, तो 5.25 प्राइस का कोई फायदा ही नहीं है. अल्टीमेटली एक्स कितना डैमेज क्लेम करेगा, सिर्फ 500 रुपए. किससे क्लेम करेगा, जेड से. क्लियर है? हाँ, अगर ऐसा होता कि एक्स 5.25 पे वाटर बॉटल परचेस करता और वाई को देता, अगर करता, एक्स 5.25 पे परचेस करके देता, तो एक्स को डैमेजेस कितने मिलने चाहिए थे, 5.25 जो मार्केट वैल्यू है. इसके पहले भी हमने ऐसा एक एग्जांपल किया है पीछे, जो मशीनरी वाला, माइनस रुपए 4.5 जो आपको कॉस्ट आने वाली थी, 4.5 रुपए कॉस्ट है ना, जिसके ऊपर आप ले सकते थे, और ये तो मार्केट वैल्यू है, -4.5. क्लियर है? प्लस आपका जो प्रॉफिट फॉरगो हो रहा है, समझ में आ रहा है, जो प्रॉफिट फॉरगो हो रहा है वो आप दे सकते हैं. लेकिन यहां प्रॉफिट फॉरगो हुआ नहीं, क्योंकि अगर आप 4.5 में अगर लेते और 4.5 में देते, 4.5 में लेते और 4.5 में देते, तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट आपको फॉरगो नहीं होता था, बिकॉज 4.5 में अगर आप सॉरी 4.5 में आप लेते, 4.5 मानते और डैमेजेस लेते, तो ऐसे ही 5 में सेल करने वाले थे, वैसे ही 5 सेल में, तो इतना प्रॉफिट आप क्लेम कर सकते थे. क्लियर है आंसर? मतलब यहां 5 नहीं आता था, सिंपली आप कितने डैमेजेस क्लेम कर सकते थे, तो आप क्लेम कर सकते थे 0.75 पैसा मल्टीप्लाइड बाय 1000 बॉटल्स, तो आप क्लेम कर सकते थे 750 रुपीज का डैमेजेस फ्रॉम किससे, जेड से. सर फिर हम जो प्रॉफिट फॉरगो किया वाई के साथ, वो फॉरगो नहीं होता था ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी बॉटल परचेस कर लिया और उसका कंपेंसेशन मिली, आप आगे आपको सिर्फ 5 रुपए बेचने हैं, जो आप बेच सकते हो, उसके लिए तो ये 750 रुपए लिए ना. अगर हम 5.25 में 5.25 में बॉटल परचेस करते तो इतना, 5.25 परचेस में करते तो इतना, नहीं किया इसलिए इतना. क्लियर है आंसर सबको? आंसर चाहिए तो पढ़ लो, गो फॉर इट फास्ट. देखो आंसर भी सेम लिखा है. समझ रहा है? नेक्स्ट वाला, लिक्विडेटेड डैमेजेस, पॉज करके चाहिए तो पढ़ लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं. लिक्विडेटेड डैमेजेस इज अ जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ कंपेंसेशन ऑफ डैमेज फॉर सर्टेन एंटीसिपेटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेयर एज पेनल्टी ऑन द अदर हैंड इज अ एक्स्ट्रावेगेंट अमाउंट स्टिप्युलेटेड एंड इज क्लियरली अनकंसेंसेबल एज हैज नो कंपेरिजन टू अ लॉस सफर्ड बाय द पार्टीज. एक्सप्लेन. अब सिंपली बोला है लिक्विडेटेड डैमेजेस है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोले जाते हैं. हाँ, लिक्विडेटेड डैमेजेस वही होती है. पेनल्टी है वो होती है जो सफरिंग के लिए दी जाती है, जो लॉस फॉरगॉन के लिए दी जाती है. उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, ये हमारे बुक के अंदर ऑलरेडी हमने देखे रखा है, एक बार रीड कर लीजिए. अगला भी क्वेश्चन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का डायरेक्ट है, वो भी आप रीड कर लीजिए. फिर अगला क्वेश्चन भी कॉसी कॉन्ट्रैक्ट और उसके कैरेक्टर्स का है, वो भी रीड कर लीजिए. फिर अगर आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का डिस्टिंक्शन है, वो भी रीड करना है. ये सब पॉज करके अभी रीड करना है या बाद में मार्क करके रीड करो. ठीक है, मैं पॉज लेता हूं, मार्क कर लो पहले. चरण. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग एग्रीमेंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अ कूली इन द यूनिफॉर्म पिक्सअप लगेज. ये तो हो गया हमारा ऑलरेडी, कूली इन द यूनिफॉर्म. होमवर्क पढ़ लेना एक बार प्रॉपरली, क्वेश्चंस रिपीट होंगे क्योंकि वो कई बार पूछे इसलिए रिपीट होंगे. ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स टू रिटर्न देम ऑन ट्रू ओनर. फाइंडर ऑफ गुड्स कॉसी कॉन्ट्रैक्ट.
ये तो हम सीधा लिख सकते हैं ना, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, फाइंडर ऑफ गुड्स कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में आता है। अगर आपको कोई गुड्स मिल जाए तो फाइंडर ऑफ गुड्स में आप पॉइंट क्या लिख सकते हो, सबसे पहले यू आर रिस्पॉन्सिबल टू रिटर्न द ओरिजिनल ओनर। दूसरा, यू कैन क्लेम एक्सपेंसेस फ्रॉम ओनर। तीसरा, इफ वैल्यू ऑफ एक्सपेंसेस इज मोर देन 2/3 ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स, यू कैन सेल द गुड्स एंड गिव रिमेनिंग टू ओरिजिनल ओनर। ये भी आप लिख सकते हो, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे, अ कॉन्ट्रैक्ट विद इन विथ बी ओनर ऑफ द फैक्ट्री फॉर सप्लाई ऑफ 10 tons ऑफ शुगर बट बिफोर सप्लाई इज अफेक्टेड अ फायर कॉट इन फैक्ट्री एंड एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर सप्लाई ऑफ 10 tons ऑफ शुगर बट बिफोर द सप्लाई इज अफेक्टेड फायर कॉट फायर एंड एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ड्यू टू सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड। ये हो सकता है, कंसेप्ट समझ में आए, एक बार आंसर्स पढ़ लीजिए। Sure, done. हो गया सबका, let's go. So next, अब अगला सवाल सीधा केस स्टडी, बाकी सब उसके बाद डायरेक्ट सवाल है तो आप खुद के बेसिस पे इसको रीड कर सकते हो। हम इसको सिर्फ केस स्टडी डिस्कशन करके ले रहे हैं, बचे हुए डायरेक्ट सवाल आप खुद रीड कर लेना। और सीधा जना पेज नंबर 1.18 पे, 1.18 पे क्वेश्चन है प्रैक्टिकल वाला, सो उसको हम एक बार देखते हैं। Explain the concept of misrepresentation in the matter of the contract. Sohan induced Suresh to buy his motorcycle saying that it was very good condition. After taking the motorcycle, Suresh complained that there was a defect in the motorcycle. Sohan proposed to get it repaired and promised to pay 40% of the cost of repair. After a few days, the motorcycle did not work at all. Now Suresh want to resign the contract. Decide whether Suresh can resign the contract. Yes, the contract is voidable at the option of Suraj because it is made on the concept of misrepresentation. So aapko likhna hai contract free consent ko kab asar karta hai, pehle to likhna hai free consent matlab kya, fir free consent ko affect karne wali cheeze ki kaun si hai, things which affect the free consent kaun kaun si hai, iske andar paanch cheeze aayegi, coercion, undue influence, fraud, mistake एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। ये पांच चीजें लिखनी है, फिर एक्सप्लेन करो मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, या तो फिर फ्रॉड मतलब क्या है, या तो स्ट्रेट अवे फ्रॉड है क्योंकि फैक्ट बोला है गलत वाला, वो भी पता था जब ये गलत है तो ये फ्रॉड हो गया, और ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है ये बोलो। चार पॉइंट आपने लिखने, फिर उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस, फिर उसके बाद में आंसर कि हां भाई ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है बोले एक बार, उसे वॉइड। ठीक है, अब बेसिकली यहां एक और कंफ्यूजन ये होगा, देखो पहले बार जब सूरज को पता चला कि ये मोटरसाइकिल खराब है और सूरज अगर उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता जब पहली बार पता चला तो वो वॉइडेबल होता था, लेकिन यहां देखो एक चीज और हुई है, यहां जब सूरज को सोहन ने बोला कि मैं 40% कॉस्ट पे कर दूंगा तो सूरज ने उसको एक्सेप्ट किया, जब सूरज ने 40% कॉस्ट एक्सेप्ट की ना रिपेयरिंग की, तब सूरज ने मिट्टी खाई वो भी किलो किलो से। पहले कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता था लेकिन सूरज ने जैसे ही 40% कॉस्ट एक्सेप्ट किया देन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वैलिड, क्योंकि सूरज उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, ये चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि इसमें डिफेक्ट है और ये रिनोवेट हो गया कॉन्ट्रैक्ट, क्या हो गया रिनोवेट, तो इसलिए ये वैलिड होगा और अब सूरज उसको नहीं तोड़ सकता क्योंकि 40% कॉस्ट उसने एक्सेप्ट कर ली। ये नहीं करता था और तोड़ता था तो उसी वक्त टूट जाता था। क्लियर है कंसेप्ट। नीचे, एक्स अ माइनर वाज स्टडिंग एमकॉम इन कॉलेज, ऑन 1 जुलाई टुक अ लोन, सेम सवाल हमारा हुआ है, कॉलेज लोन वाला नेसेसिटी उसके एसेट में से रिकवर कर सकते हैं, होमवर्क। ठीक है, पी सेल्स बाय एन ऑक्शन टू क्यू अ हॉर्स व्हिच इज नोन टू बी अनसाउंड। पी को पता था हॉर्स अनसाउंड है फिर भी क्यू को बेचा, फ्रॉड वाला कैसे बच्चों सीधा, द हॉर्स अपियर्स टू बी अनसाउंड बट पी नोज अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स,
बट पी नोज अबाउट द अनसाउंडनेस. पी नोज स्टार मार्क, यू नो अबाउट द डिफेक्ट, देन कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, क्योंकि ये गुड फेथ में नहीं है. इन दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज. पी सेज नथिंग अबाउट अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स ऑफ टू क्यू, तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. पी को, सॉरी ये पी को पता था ना, द हॉर्स अपियर्स टू बी अनसाउंड है ना, हॉर्स अनसाउंड दिख रहा था, हॉर्स अपियर्स टू बी अनसाउंड है. अपेरेंटली किसी चीज से, आपने वो सुना है कैवियट एम्प्टोर, लेट द बायर बी अवेयर. एज पर द कैवियट एम्प्टोर, क्यू अको हॉर्स अगर अपियर कर रहा है कि वो अनसाउंड है तो क्यू ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया तो वैलिड हो जाएगा. लेकिन अगर हॉर्स अपियर नहीं कर रहा है, अनसाउंड है, तो ऐसे केसेस में पी की ड्यूटी बनती है कि उसने बोलना चाहिए कि हॉर्स अनसाउंड है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? नीचे दिस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. पी सेज नथिंग अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स. पी ने कुछ नहीं बोला. द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड सिंस सेक्शन 17 मियरली साइलेंस टू द फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ द पर्सन एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट. हियर इट इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट. ये पी का कोई ड्यूटी नहीं था क्योंकि अपेरेंटली दिख रहा था हॉर्स अनसाउंड है. इफ पी सेज नथिंग अबाउट इट टू क्यू, हु इज पीज डॉटर हु हैज जस्ट केम टू एज, भले ही केम टू एज कोई फर्क नहीं पड़ता. द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड सिन सेक्शन 17 पीस ड्यूटी टू क्यू अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द वर्ड्स बिकॉज फिड्यूशियरी रिलेशन एग्जिस्ट. फिड्यूशियरी रिलेशन में हाँ हो सकता है कि डॉटर है और वो आपके भरोसे पे है, ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में आपके भरोसे पे बैठी है, आपके भरोसे पे वो काम कर रही है और कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो आपकी ड्यूटी बनती है उसको बोलना. इफ क्यू सेज टू पी, इफ यू डू नॉट डिनाई इट, आई विल अज्यूम दैट हॉर्स इज अनसाउंड. पी सेज नथिंग, हॉर्स इज साउंड, पी सेज नथिंग. तो यहां पे पी की ड्यूटी है. द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड बिकॉज पी सेज नथिंग. क्यू ने बोला अगर तू चुप बैठेगा तो मैं ऐसा मान लूंगा हॉर्स साउंड है. पी कुछ नहीं बोला, मतलब हॉर्स साउंड है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा क्योंकि हॉर्स तो अनसाउंड था. आंसर पढ़ लीजिए एक बार, गो फॉर इट फास्ट. डन, पॉज करके पढ़ लीजिए चाहिए तो, मैं आगे बढ़ रहा हूं. अगला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, सो इसको छोड़ आप खुद पढ़ सकते हो. ये सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है, सूरज ने मोटरसाइकिल वाला 40% कॉस्ट वाला, वापस इसको पढ़ लेना होमवर्क. नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट क्लास में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़ लेना. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अगेन सेम हो रहा है, पढ़ना. अब डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ रहे हैं. फिर पेज नंबर 1.23 पे वापस एक केस स्टडी आया है, आ जाइए. आ जाइए. ए सेंड्स एन ऑफर टू सेल हिज सेकंड कार फॉर रुपीज 1,40,000 विद अ कंडीशन दैट इफ बी डज नॉट रिप्लाई विद इन अ वीक, A sends an offer to B to sell his second hand car for 1,40,000 with the condition if B does not reply within a week to A, shall treat the offer to be accepted. Put a burden on offeree. Offer should not put a burden on offeree. Felthaus versus Bindley. के भाई अगर सामने वाला silent था मान लेंगे उसने offer accept कर लिया, गलत है, यह नहीं कर सकते आप. A correct his proposition. What shall A इज ए करेक्ट इन इस प्रोपोजिशन, नहीं है करेक्ट है. क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, नहीं है. यहां केस आप लिख सकते हो फेल्थाउस वर्सेस बिंडले. इस चीज को याद रखना, क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना. आगे एक्स वाई जेड जॉइंटली बोरोड 50,000 फ्रॉम ए, द होल अमाउंट वॉज रीपेड बाय ए. फिर ज्वाइंट प्रॉमिसर वाला, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है, होमवर्क. ठीक है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट सवाल है, कंपेंसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट सवाल है. नेक्स्ट वाला ये है पेज नंबर 1.25 पे, पॉज करके पढ़िए बीच में चाहिए तो, अदरवाइज मेरे साथ चलिए अगर आपका पढ़ना हो गया है तो. एक्स फाउंड अ वॉलेट इन अ रेस्टोरेंट, ही इंक्वायर्ड ऑफ ऑल द कस्टमर्स प्रेजेंट देयर बट ट्रू ओनर कुड नॉट बी फाउंड.
एक्स को वॉलेट मिला रेस्टोरेंट में, हमारे साथ जिंदगी में कभी नहीं होता ऐसा। He handed over the same to manager of the restaurant to keep until the true owner is found. After he week, he went back to restaurant to inquire about the wallet. The manager refused to return it back to X, saying it did not belong to him. In the light of the Indian Contract Act, can X recover it from the manager? Founder of goods X है, X ने उसको manager को दिया है, तो manager के लिए तो फिलहाल X ही है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। समझ में आ रहा है? तो एक्स अगर फाइंडर ऑफ गुड्स है तो उसके पास पूरा राइट है कि वो वॉलेट को रिटेन कर सकता है अगेंस्ट ट्रू ओनर। तो होटल के मैनेजर को एक्स को ये वॉलेट रिटर्न करना पड़ेगा। क्लियर है? सो देखो नीचे लिखा है, एक्स इज एंटाइटल्ड टू रिटर्न द वॉलेट फाउंड अगेंस्ट एवरीबडी एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो यहां फाउंडर ऑफ गुड्स के पॉइंट लिखोगे, पॉइंट नंबर वन में क्या लिखोगे? फाइंडर में क्लेम कंपेंसेशन इन केस ऑफ ट्रबल और एक्सपेंसेस। इफ ओनर रिफ्यूज टू पे कंपेंसेशन, फाइंडर मे रिटेन द गुड्स। इफ एनी रिवॉर्ड हैज बीन अनाउंस्ड, तो फाइंडर इज राइट टू क्लेम सच अ रिवॉर्ड। नॉर्मली कैनॉट सेल द गुड्स, बट व्हेन रियल ओनर इज नॉट फाउंड आउट विद रीजनेबल डिलिजेंस, रिफ्यूज टू पे लॉफुल चार्जेस, देन ही कैन सेल गुड्स इन द मार्केट। ही कैन सेल गुड्स व्हेन आर्टिकल इज इन डेंजर of being perished. He can also sell goods if 2/3 से ज्यादा charges हो जाते। ये तो हमने already बोला है आपको, पढ़ लीजिए। अगला सवाल direct सवाल है। चलो done। अगले case study के ऊपर जा रहा हूं। Mr. Sonomal, a wealthy individual, provided a loan of 80,000 to Mr. Dattumal. The borrower, Mr. Dattumal, asked for further loan of rupees 1,50,000. Mr. Sonomal agreed, but provided loan in the parts from different dates. He provided 1,00,000 on 20th February 2019, remaining on 50,000 on 30th March 2019. On 10th March, while paying off part 75,000, Mr. Sonomal insisted that lender should adjust 50,000 towards the loan taken on 3rd March 2019 and balance against the loan on 22nd February 2019. Mr. Sonomal objected this arrangement and asked the borrower to adjust the order of the date of the borrow of funds. Now you decide whether contention of Mr. Dattumal correct otherwise as per the provision of the Indian contract. देखो क्या हुआ है, समझो चीज को क्या हुआ है। सोनूमल ने कहा गया है, सोनूमल ने दत्तुमल को लोन दिए, ठीक है। सबसे पहला लोन दिया था 26 फरवरी को और वो था 80,000 का। फिर उसके बाद में अगला लोन दिया 28 फरवरी को जो था 1,00,000 का, और फिर लोन दिया 3 मार्च को जो था 50,000 का। यह लोन है। दत्तुमल ने सोनूमल को पे किया रुपीज 75,000 और उसने बोला कि लेंडर ने उसको एडजस्ट करने हैं 50,000। 50,000 इस लोन के खिलाफ एडजस्ट कर बोले, 75,000 में से 50,000 ये इस लोन के खिलाफ एडजस्ट करो बोले, थर्ड लोन के खिलाफ, मतलब वो निपट जाएगा बोले पूरा का पूरा, और बचा हुआ जो है 25,000 वो बोले 28 फरवरी के लोन के खिलाफ एडजस्ट करो, ये बोला है। तो सोनूमल दत्तुमल से बोलता है कि मैं लाइन वाइज इसको एडजस्ट करूंगा, 26 फरवरी के खिलाफ पहले, 28 के लिए बाद में, 3rd मार्च को तीसरा। किसका कंटेंशन सही है? क्या फीफो बेसिस पे अरेंज करना चाहिए या दत्तुमल के हिसाब से अरेंज करना चाहिए? सोनूमल के हिसाब से या दत्तुमल? तो आंसर है बेटा कि दत्तुमल ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए, इट इज अ ड्यूटी ऑफ सोनूमल टू फॉलो द सेम, और उसको उसी हिसाब से पूरा पैसा लेना चाहिए।
क्योंकि जो लेंड बोरोवर है वो जब पैसा पे करता है तो उसको पूरा हक है कौन सी चीज के खिलाफ कौन सा पैसा लगाना है ये डिसाइड करने का, प्रोवाइडेड ये 3 इयर्स टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए, ये 3 इयर्स टाइम बार्ड डेट नहीं होना चाहिए, समझ में। अगर 3 साल टाइम बार्ड डेट होने वाला है तो फिर सोनूमल डिसाइड करेगा कि जो टाइम बार्ड हो रहा है उसके खिलाफ पहले पैसे लगाए जाए, ठीक है। तो ये चीज को याद रखना चाहिए, तो पढ़ लीजिए। चलो डन, इसको पढ़ना है पॉज करके पढ़िए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिस्टर रमेश प्रॉमिस टू पे 50,000 टू हिज वाइफ मिस्टर लैला लाली सो दैट शी कैन स्पेंड अ सम ऑफ हर बर्थडे 30th बर्थडे। मिसेस लाली इंसिस्टेड हर हस्बैंड टू मेक अ रिटर्न एग्रीमेंट इफ ही रियली लव हर। मिस्टर रमेश मेड अ रिटर्न एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट वॉज रजिस्टर्ड अंडर लॉ। मिस्टर रमेश फेल्ड टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट टू हिज वाइफ मिसेस लाली। मिसेस लाली वॉन्ट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट मिस्टर रमेश एंड रिकवर द प्रोमिस्ड अमाउंट। इट इज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन वाले एग्रीमेंट वैलिड नहीं होते भले ही वो एग्रीमेंट किए जाए। ऐसे सिचुएशन में इट इज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, इट इज अ सोशल एग्रीमेंट सो इट इज नॉट वैलिड, लाली कैन नॉट क्लेम द अमाउंट। ठीक है, देखिए आपके फादर ने आपको प्रोमिस किया सीए बनने के बाद हार्डली डेविडसन लेके दूंगा एंड बाद में नहीं दिया तो क्या केस करोगे? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, गो फॉर इट फास्ट। अगली केस जिसको चाहिए पढ़िए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। A shopkeeper displayed a pair of dress in the showroom with a price tag of 2000. Price tag, invitation to offer. Price tag के बाद offer देना जरूरी है, फिर shopkeeper decide करेगा sell या नहीं। Pharmaceutical Society of Great Britain versus Boots Cash Chemists Limited. Case अगर याद होगा तो लिख लो, Pharmaceutical Society Great Britain, तो book में भी दिया है। Attached to dress, Mr. Lovely looked at the tag and rushed to the cash counter. Then she asked the shopkeeper to receive the payment and pack off the dress. The shopkeeper refused to hand over the dress to Miss Lovely in consideration to price stated on the price tag attached. Miss Lovely seeks your advice what she can do. She cannot do anything because it is just invitation to offer. So pehli cheez aapne dekhni hai, invitation to offer matlab kya, ye likhna hai point number 1 mein. Point number 2 mein attempt to induce offer and offer dene ki koshish karna hai. Point number 3 mein एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस इज नॉट ऑफर, निगोसिएशन करना ऑफर है। और पॉइंट नंबर 4 में आप केस देखोगे वही फार्मास्यूटिकल केस लॉ, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड में भी ऐसा हुआ था, सेम फैक्ट ऑफ द केस। फिर डिसीजन कि भाई जो शॉपकीपर है डज नॉट एक्सेप्ट द प्राइस देन इंटरेस्टेड बायर कैनॉट कंपेल हिम टू सेल। क्लियर है, शॉपकीपर प्राइस एक्सेप्ट नहीं करता तो बायर उसको कंपेल नहीं कर सकता है, सिंपल। अगला सवाल डायरेक्ट है, उसके अगले सवाल भी वेजरिंग और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के बीच में, कॉन्टिंजेंट इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस दिया है। डायरेक्ट सवाल है, पढ़ना है एक बार। साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। फिर अगला केस स्टडी पेज नंबर 1.31। मिस्टर सोहनलाल सोल्ड 10 एकर्स ऑफ हिज एग्रीकल्चरल लैंड टू मिस्टर मोहनलाल ऑन 25th September 2018 फॉर 25 लाख। द प्रॉपर्टी papers mention a condition amongst the other detail that whosoever purchases land is free to use 9 acres as per his choice but remaining 1 acre has to be allowed to be used by Mr. Chotelal son of the seller for carrying out the farming or other activities of his choice. On 12th October 2018 Mr. Sohanlal died leaving behind his son and life, and life ki jagah wife chahiye zindagi mein, life kaise leave karega wife. On 15th October 2018, purchaser stated construction of an auditorium on the whole 10 acres of land and denied any land to his son. Now Mr. Chotelal wants to file a case against the purchaser. Chinnaiya versus Ramaiya wala case hai beta, wapas se. Dekho, Sohan Lal ne 10 acre ka land Mohan Lal ko becha. ठीक है, लेकिन बोला कि 9 एकर के ऊपर उसका बेटा खेती करेगा, ये चीज को याद रखना। मोहनलाल उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता, मोहनलाल ने फिर भी 10 एकर के ऊपर ऑडिटोरियम डालने की कोशिश की। देखो चिनैया वर्सेस रमैया आया, यहां मोहनलाल क्लेम कर रहा है कि सन की तरफ से कुछ नहीं मिला, बट कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम थर्ड पर्सन। पॉइंट नंबर 1 में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड, प्रिविटी नॉट रिक्वायर्ड मैंने क्लास के अंदर बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया था। प्रिविटी मतलब से पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन दे जरूरी नहीं है, प्रिविटी का मतलब से पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ये जरूरी नहीं है, थर्ड पार्टी भी दे सकता है,
कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? सो ये चीज को आपने याद रखना। फिर नीचे केस डिस्कस किया है, तो यहां छोटेलाल इज एंटाइटल टू फाइल अ पिटिशन अगेंस्ट मोहनलाल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। छोटेलाल जो सन है वो केस कर सकता है। पढ़ लो एक बार पॉज करके। फिर अगला डायरेक्ट सवाल है, मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, पढ़ लेना। फिर अगला भी डायरेक्ट सवाल है, और यहां पे कॉन्ट्रैक्ट के जितने केस स्टडीज में को देने थे वो यहां पे होते हैं खत्म। लेक्चर को याद रखना, ठीक है? चलिए, तो बार बार रिपीट करके रखना, आपको जब तक समझ में नहीं आता इट विल हेल्प यू, ठीक है? रूल्स बड़े अच्छे से याद रखना, जो मैंने स्टार्टिंग में रूल्स लिख के दिए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये रूल्स में से कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो रूल्स है उसका फोटो खींच लीजिए, ये आपके बड़े काम में आएंगे। गो फॉर इट फास्ट। डन। चलो, सो कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर यहां खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप कराने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद में हमारा कंसेंट हो जाएगा, ठीक है? सो दिस ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी।